उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, उत्तराखंड सरकार के वित्त शहरी विकास आवास विधायी और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, कृषि एवं कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण ग्राम विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और जिनके आशीर्वाद से, जिनको साक्षी मान करके आज यहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, पूज्य संत जनों की उपस्थिति में यहां पर हमारे पूज्य संत जन जिनका आशीर्वाद यहां पर हमें आज प्राप्त हो रहा है, इन सभी पूज्य संतों का, जिनकी उपस्थिति में पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी भगतराम मुखिया जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, स्वामी विष्णुदास जी महाराज, स्वामी महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज, महंत ईश्वरदास जी महाराज, स्वामी शिव प्रेमानंद पुरी जी महाराज, महंत महेश पुरी जी महाराज, महंत अरुणदास जी महाराज, महंत चेताईनाथ जी महाराज, ऐसे सभी हमारे पूज्य संत जनों की एक लंबी श्रृंखला यहां पर है। मैं उन सबको नमन करते हुए उनका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम आपके सामने, हमारे मंच पर अभी जिन महानुभावों का उद्बोधन आप सबको सुनने को मिला है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है, उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला रहा था और 21 वर्षों से यह मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए एक सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी, तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कभी ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को, इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास
उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान हम भी चाहते हैं, और मैं आज धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहां पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवनधारा है उस जीवनधारा की आत्मा है मां गंगा, और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवनधारा है जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे, और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है, दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 महीने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है, और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर निर्मित होकर के हम यहां पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक साथ ये प्रक्रिया संवाद के माध्यम से समाधान के रास्ते पर निकल सकती है, और उसी समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यह कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड देवभूमि है, और उत्तराखंड की देवभूमि न केवल भारत की आध्यात्मिक रूप से पूरे भारतवासियों को, 100 करोड़ भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, उतनी क्षमता रखती है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड के 4 धामों का दर्शन करने के लिए ललायित न हो? कौन ऐसा होगा जो हरिद्वार में मां गंगा में हर जी की पेड़ी में स्नान करने के लिए अपने आप को उतावला न पाता हो? पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर बसा हुआ हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी की इच्छा होती है कि हम लोग इस पवित्र धाम के साथ जुड़े हैं। और मैं जब उत्तराखंड की बात करता हूं तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, उसी श्रृंखला में आज केदारनाथ धाम जिस भव्य रूप में आया है, अभिनंदन यह है। प्रधानमंत्री जी के विजन का हम सब अभिनंदन करते हैं, और उस विजन के साथ हम सबको जुड़ना होगा, हम सबको उसको जीवन में फॉलो करना होगा, उसको अंगीकार करना होगा, हम उसके पीछे चल करके हमारा क्या योगदान हो सकता है इसके साथ जुड़ करके हम भी अगर अपनी भावनाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करेंगे, अद्भुत कार्य हो सकता है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम आज संवर चुका है, बद्रीनाथ धाम प्रतीक्षा कर रहा है, वहां पर भी कार्य की परियोजना को आगे बढ़ाने का युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। हरिद्वार पहले की तुलना में काफी विस्तार हुआ है, काफी अच्छी सुविधाएं मिली हैं। ऋषिकेश में भी उन प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य, उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड ने अपनी एक नई यात्रा प्रारंभ की है, विकास की यात्रा, यहां की सुख और समृद्धि का आधार बने, यह हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक अभियान भी है। मैं इस अवसर पर
उत्तराखंड के अपने सभी भाइयों से यही कहूंगा कि हम सबको मिलकर के इस अभियान का एक साथ मिलकर के से आगे बढ़ाना होगा। भले ही राज्य अलग अलग होंगे लेकिन भाव और भावनाएं तो दोनों की एक है, एक जैसी है, एक साथ मिलकर के चलने की जैसी है और हम लोग मिलकर के हर काम कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का बाजार आपके लिए पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश आपके पास आकर्षित होकर के यहां के धामों का दर्शन करने के लिए आने के लिए उत्सुक है। हमें सुविधाएं देनी होंगी, आतिथ्य सत्कार का, उत्तराखंड की परंपरा का, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना होगा। और पूरा देश आना चाहता है, यानी आप चार धाम की 6 महीने की यात्रा में ही देखेंगे इतना कुछ आप लोग यहां के माध्यम से समृद्धि ला सकते हैं, इसके माध्यम से बहुत कुछ संभावनाएं। और फिर मैं उत्तराखंड की जब बात करता हूं तो उत्तराखंड में हर सीजन में अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं। मैं जब चार धाम की यात्रा बंद होगी तो आपके कुमाऊं से जुड़े हुए नैनीताल और वहां के जो हिल स्टेशन है, जोशीमठ से जुड़े हुए जो आपके हिल स्टेशन है, या उत्तराखंड के जो अन्य उच्च हिमालय से जुड़े हुए जितने हिल स्टेशन है, ये सब फिर उसके लिए पलक पावड़े बिछा करके लोगों के लिए तैयार होते हैं कि लोग अगर पर्यटन के रूप में, श्रद्धा के रूप में आना है तो यहाँ के हर एक जगह, हरिद्वार से लेकर के चार धाम की यात्रा पर, हर एक डांडे पर और हर एक महत्वपूर्ण स्थल पर जो देव मंदिर हैं, शिवालय हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, आप इनका दर्शन करिए। और अगर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश के उन बिरले राज्यों में उत्तराखंड है जिसका फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाएं आज भी हम सबको लालायित करती है, पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर लालायित करती है। और उन संभावनाओं को विकसित करने के दिशा में एक कार्य जहां उत्तराखंड के अंदर हो सकता है, वही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे हो सकता है, यह प्रयागराज ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ की अवधारणा को आगे बढ़ाकर के हर एक आयोजन को हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमने विगत वर्ष वैष्णो कुंभ के रूप में वृंदावन में एक भव्य आयोजन करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। और यही नहीं, आज आप में से तमाम पूज्य संतों को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था, उस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। काशी विश्वनाथ धाम प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया, सेकंड चरण का कार्य अंतिम स्टेज में चल रहा है, इस मई के अंदर वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। और काशी विश्वनाथ धाम की स्थिति यह है कि 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है वहां पर। वर्तमान में मुख्य मुख्य पर्व और त्योहारों पर यह संख्या 5 से 7 लाख प्रतिदिन जाती है। जिस काशी में हम एक साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में 50 श्रद्धालु एक साथ एकत्र करने की क्षमता नहीं रखते थे, आज वहां पर हमारे पास 50,000 श्रद्धालु एक साथ एक समय खड़ा होना चाहेगा तो वहां पर काशी विश्वनाथ धाम के अंदर खड़ा हो सकता है, दर्शन कर सकता है, पूजा में भाग ले सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं और यह संभावना वहां पर बनी है। इसमें पूज्य संतों का आशीर्वाद भी था, उनका सहयोग भी था। ये हो सकता है काशी के विकास में इससे योगदान होगा, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे पूज्य संतों का सम्मान भी बढ़ाता है, उनके गौरव में वृद्धि करता है, उनके प्रति लोगों की धारणाओं को बदलता है। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में देश और दुनिया के सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और भौतिक नगरी के रूप में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। आप अयोध्या को देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अयोध्या संवर रही है, नए उस पर आ रही है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इस सब के विकास की कार्य योजना हमारी लागू हो चुकी है, ये सभी कार्य वहां लागू हो चुके हैं। ऐसे ही सुख तीर्थ का, ऐसे ही नैमिषारण्य का, विंध्यवासिनी धाम का, चित्रकूट का, महर्षि वाल्मीकि की जन्मभूमि का, लालापुर का, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर का, ये सभी समग्र विकास की, आध्यात्मिक और भौतिक विकास की उन सभी संभावनाओं को लेकर के
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, जैन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, सिख तीर्थों के विकास के लिए भी वहां पर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, आज वहां पर मूर्त रूप लेते हुए लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अलग अलग आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना, दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ा हो, इस संभावना बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन भाइयों बहनों आज दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ गया है, अयोध्या के दीपोत्सव के साथ ही। आपने देखा होगा किस भव्यता के साथ हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही होली का आयोजन वृंदावन और बरसाना के साथ जुड़े ये नहीं होता था, लेकिन अब जुड़ चुका है, होली का उत्सव बरसाना के साथ जुड़ चुका है। ऐसे ही देव दीपावली, देव दीपावली उत्तराखंड में ही मनाई जाती है, लेकिन देव दीपावली की जब चर्चा हो रही है तो देव दीपावली काशी की मनाई जाती है, काशी की भव्य स्वरूप आप सबको देखने को मिलता होगा, काशी की देव दीपावली। हर एक आयोजन को कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम को भी इसी रूप में हम लोग लेने का कार्य कर रहे हैं। हर एक आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना और उस इवेंट को यादगार बना देना, जिससे लोग उस दिन की प्रतीक्षा करें और फिर वहां आने के लिए पहले से ही तत्पर दिखाई दें। आज इस रूप में उत्तर प्रदेश समग्र विकास की उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, पर्यटन की संभावना हो, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी उन योजनाओं को जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का हो, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर वहां पर प्रयास कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि कृषि के बाद सर्वाधिक पर्यटन की संभावना, सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र हो सकता है वो पर्यटन का हो सकता है। सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जब हम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को, जिसे हम आज तीर्थ स्थल मान रहे हैं और हम आस्था के साथ जाते हैं, ये हमारी आस्था को पवित्र तो बनाता ही है, लेकिन भाइयों बहनों ये हमारी आस्था के साथ साथ ये हमारी राष्ट्रीय एकात्मता के तीर्थ स्थल भी हैं। राष्ट्रीय एकात्मता को पूरी ऊर्जा यहां से प्राप्त होती है, राष्ट्रीय एकात्मता को पूरी मजबूती और पूरा तेज और ओज वहीं से प्राप्त होता है, और उसी तेज और ओज के लिए इन सभी पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। मैं कल गया था, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने उत्तराखंड में यमकेश्वर विकास खंड में एक वेलनेस सेंटर की स्थापना की है। मैं देखा हूं कल, मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे वहां पर था, कितना बेहतरीन केंद्र बनाया गया है। सचमुच मैं अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने एक अच्छे केंद्र को, यानी जो एक पहाड़ी सूखी पहाड़ी थी, मुझे परसों ही इसके बारे में जब आचार्य जी ने बताया, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने बताया कि अच्छा वहां पे बना हुआ है, तो मैंने इस बारे में कहा। यद्यपि कार्यक्रम के ठीक पहले खूब बारिश हुई, खूब आंधी चली, लेकिन जब हमारा कार्यक्रम वहां बनने के लिए हुआ तो मौसम बहुत शांत और सुहावना हो गया था। आप जब यहां टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहां पर मैदानी क्षेत्र में रहे होंगे, तो हम लोग वहां 15 डिग्री टेम्परेचर में वहां पर उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उनके बगीचे में वहां पर हम लोग वेलनेस सेंटर उस पूरे क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे थे। कितना आनंददायक क्षेत्र बना था, सूखी पहाड़ी, कुछ नहीं होता था, एकदम पथरीली पहाड़ी, पत्थर भी सामान्य नहीं, वे मोटे मोटे पत्थर जिसमें अगर किसी का नंगा पैर पड़ जाए तो वह काटे बगैर छोड़ेगा नहीं। उस पथरीली जमीन पर आज कल मैं देख रहा था, मैंने वहां पर आड़ू खाया, खुमानी मुझे परसों भी वहां खाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और कल मैंने फल देखे वहां, नींबू की अलग अलग वैरायटी देखी, चंदन के पेड़ देखे, 40,000 से अधिक वृक्ष, चंदन है, आरारोट है, आंवला है, नींबू है, खुमानी है, आड़ू है, ऐसी अलग अलग वैरायटी की, पूरा जंगल लहराता हुआ दिखाई दे रहा, और आप अन्य पहाड़ियों से उसकी तुलना करेंगे तो एक नई आध्यात्मिक ओज वहां पर देखने को मिल रहा है कि किसी ऋषि की कर्म साधना का यह वास्तविक क्षेत्र बना हुआ है।
और वह कर्म क्षेत्र की साधना का जो क्षेत्र बना है उसका ओत और उसका तेज उस पहाड़ी के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ देखने को जो मिला वहां पर मुझे अद्भुत है। और केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, वहां पर पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ वेलनेस सेंटर, यानी अगर कोई बीमार व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी अगर किसी को लंग्स की परेशानी है और उसको मास्क लगा करके चलने के लिए डॉक्टर अगर कहते हैं और उसको थोड़ी सी पॉल्यूशन में खांसी आने लगती है, वह एक सप्ताह अगर वहां रह जाए तो पूरी खांसी गायब हो जाएगी, लंग्स फिर से मजबूती पकड़ने लग जाएंगे। और लंग्स तो शरीर का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वह कार्य नहीं करेगा तो शरीर का पूरा पंप स्टेशन ही समाप्त बैठ जाएगा। तो वह स्थिति वहां पर मुझे देखने को मिली, कितना अच्छा रमणीय स्थल के रूप में उसको विकसित किया है। यह पर्यटन के साथ साथ वेलनेस सेंटर के साथ साथ वह उत्तराखंड के पलायन को रोकने और उत्तराखंड के अंदर आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने का एक सेंटर स्थापित हो सकता है। और उस प्रकार के अनेक सेंटर विकसित किए जा सकते हैं जो उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार और नौकरी तो देगा ही, साथ साथ आरोग्यता के लिए उत्तराखंड की भूमि पर देश को आमंत्रित करने, एक तरफ चार धाम की यात्रा चलेगी और दूसरी तरफ आरोग्यता की यात्रा भी चलेगी, एक साथ दोनों जब बढ़ेंगे हम आस्था के साथ साथ आरोग्यता को भी जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम वहां पर देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा प्रयास वहां पर हुआ है, मैं इसके लिए स्वामी जी का और आचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को वहां पर बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, ऐसी अनेक संभावनाएं अलग अलग क्षेत्र में बन सकती है। मैं देख रहा था उत्तराखंड में अलग अलग व्यक्ति अपने तरीके से कुछ नया करने के लिए तैयार है। एक नया उत्तराखंड और डबल इंजन की सरकार है, इसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। हर एक अच्छे कार्य में प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग प्राप्त होता है। आज का जो एक कार्यक्रम है यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को ही साकार करने का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक सामूहिक पहल का परिणाम है, जिसमें हम लोगों ने इस कार्यक्रम को विस्तार से यहां पर प्रस्तुत किया है और ये चीजें आप सबको देखने को मिली है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे आज अलकनंदा यहां पर हमने उत्तराखंड सरकार को सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उसकी चाबी सौंपी गई है कि अब इसको आप लीजिए या आपकी परिसंपत्ति भी उत्तर प्रदेश भागीरथी को लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। और याद रखना, जीवन की जो धारा है, जो गंगा जिसकी आत्मा है, ये तभी गंगा बनती है जब भागीरथी और गंगा मिलकर के, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तभी गंगा बनती है। और उसी गंगा की धारा को, जो जीवन की धारा बन सके, भारत की धारा बन सके, उस धारा को हम लोगों को इसी रूप में आगे बढ़ा के लेके चलना है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वे सभी समस्याएं बहुत अच्छे ढंग से समाधान की ओर बढ़ी हैं और उसका समाधान सबका समाधान होगा। हमने कहा ना, हम समस्याओं को छोड़ते नहीं, ध्यान से सुनेंगे लेकिन समाधान उसका इस रूप में निकालेंगे कि हर पक्ष अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा और हर व्यक्ति प्रफुल्लित महसूस करेगा। और यह स्थिति रही, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, पूज्य संतों का, खासतौर पर उनका आशीर्वाद आज यहां प्राप्त हो रहा है। मैं पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में हूं और पिछले 3 दिन से मुझे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर देखने को प्राप्त, जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरी मातृभूमि भी है और मेरी माँ भी यही निवास करती है, तो मुझे दोनों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे इन 3 दिनों में बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत ही अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिली, बहुत अच्छी दिशा में यहां पर उत्तराखंड अच्छा आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर के यहां के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग हो पाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। हम लोग सभी मिलकर के, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश वासी इस बारे में भावना ही रखता है कि यहां का समग्र विकास होना चाहिए, यहां पर हर एक समस्या के समाधान के लिए यहां की सरकार के द्वारा जो पहल की गई है उसमें एक सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिए और उस सकारात्मक सहयोग के लिए हम सभी लोग मिलकर के
कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके सकारात्मक सहयोग से सभी कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस पहल को आगे बढ़ाया था, पुष्कर सिंह जी ने उसको चरम तक पहुंचा करके उसको समाधान के मार्ग तक आगे बढ़ाया है और आज यहां पर पूरी तरह समाधान के उस पर हम पहुंच चुके हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में सारे कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं और पूज्य संत तो वैसे भी उनका अपना कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है लोक का होता है, समाज का होता है, राष्ट्र का होता है, धर्म का होता है। तो राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित इन पूज्य संतों के सानिध्य में सभी कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। मैं इसके लिए पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के प्रतिनिधि हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके कारण आज हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ है और हम लोग अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलकर के एक नए विकास की यात्रा की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें यहाँ के समग्र विकास की, यहाँ के आध्यात्मिक और धार्मिक काया कलेवर को सुरक्षित रखते हुए एक नए काया के रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए यहाँ पर माँ गंगा को जिनके सानिध्य में और जिनके तट पर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है कोटि कोटि नमन करते हुए कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। माँ वैष्णो देवी का और माँ चंडी देवी का भी आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज केदारनाथ धाम के भी कपाट खुलने हैं, तो कल खुलने हैं, कल कपाट खुलने हैं। दो धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और परसों बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने हैं। अब यात्राएं प्रारंभ हो चुकी है, यात्रा का हम आनंद लें और एक अतिथि सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण हम प्रस्तुत करें। उत्कृष्ट उदाहरण हमें प्रस्तुत करना होगा और मुझे लगता है कि यही हमारी पहचान बनेगी, यही उत्तराखंड को एक नई पहचान बनाने के लिए यह हमें आगे बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार को इस समस्या के समाधान के हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।